आज हम लोग आ गए हैं डुकाटी के शोरूम। इंडिया में बिकने वाली डुकाटी की सारी सुपर बाइक्स के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। हम उनके फीचर्स जानेंगे, उनके मॉडल्स जानेंगे, उनके डाउन पेमेंट और ईएमआईज के साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी सुपर बाइक किस कस्टमर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा फेमस बाइक की, जिसका नाम है डुकाटी V4। इस बाइक में आपको मिल जाता है 1103 सीसी का V4 इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 212 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 124 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो V4 में आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं। इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, पावर मोड्स मिल जाते हैं, डुकाटी सेफ्टी पैक मिल जाता है विच कंसिस्ट्स ऑफ कॉर्नरिंग, ABS एंड डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल। इसमें आपको क्विक शिफ्ट, ऑटो ब्लिंकर, मतलब यू नेम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू विल गेट इट इन दिस बाइक। V4 के तीन वेरियंट आते हैं, एक तो आपका नॉर्मल V4, उसके बाद में आपका आता है V4S। ये खड़ा हुआ है आपका V4S। तो जो मेजर डिफरेंस है आपका V4 और V4S में, वो ये हो जाता है कि V4S में आपको मिल जाते हैं गोल्डन कलर के ओलिंग के सस्पेंशन मिल जाते हैं, और जो आपके V4 बाइक है वो आप उसके जो भी मोड्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो आपको मैन्युअली सेट करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप V4S की बात करो तो इस बाइक को आप अपने कंप्यूटर में लगा करके ऑटोमेटिकली भी इसको अपने बाइक को पूरा ट्यून कर सकते हो। अब अगर हम लोग इन दोनों बाइकों की प्राइसिंग की बात करें तो V4 आपको मिलती है 26,25,000 रुपीज की, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है, और ये जो आपकी V4S है ये आपकी आती है 31,65,000 रुपीज़ की। तो करीब 4-4.5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस हो जाता है आपकी दोनों बाइक में। ठीक है, ये बाइक थोड़ी सी आपकी देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगती है बिकॉज ऑफ इट्स ओलिन के सस्पेंशन, देखो कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद में आपकी आती है ये जो बाइक खड़ी है, ये नॉर्मल आपकी V4 है, बट इसमें और आपका जो वाली जो इससे पहले मैंने आपको V4 दिखाया उसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि ये आपकी ट्रैक रेडी बाइक है। अब ट्रैक रेडी बाइक में डिफरेंस क्या हो जाता है, इसमें आपको हेडलाइट्स नहीं मिलती हैं, इसमें आपको साइड मिरर्स नहीं मिलते हैं, तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जो कि रोड पे आपको चाहिए होता है वो निकाल लिया जाता है, बिकॉज ट्रैक में उस सारी चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं होता है। उससे क्या होता है, उससे आपकी बाइक लाइट हो जाती है और परफॉर्मेंस भी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो ये बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है, इसको आप ट्रैक के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इसको आप रोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ये नॉर्मल V4 है। ये ट्रैक रेडी मशीन है जो कि सिर्फ ट्रैक पर यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइसिंग आपका होगा 20,49,000 रुपीज़। ठीक है, ये खड़ी है हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत सी डुकाटी V4R, और इसमें डिफरेंस ये है कि ये आपकी प्रॉपर लेटर सेगमेंट की बाइक है। वैसे तो V4 और V4S में आपको 1103 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन V4R में आपको मिलता है 999 सीसी का, और इसमें आपको मिलता है 225 ब्रेक हॉर्स पावर। तो इसमें आपको कम इंजन डिस्प्लेसमेंट होने के साथ ही साथ ज़्यादा पावर मिलता है, बिकॉज ये ऐसे प्रॉपर ट्रैक ओरिएंटेड मशीन है जिसको आप रोड पर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या आता है आपका, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कार्बन फाइबर मिल जाता है, इसमें आपको विंग्स मिल जाते हैं कार्बन फाइबर के, उसके बाद में इसमें आपको ओलिंस का सस्पेंशन मिल जाता है, उसके बाद में इसमें आपको पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन फाइबर मिल जाता है, और आपको एक्रापोर का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि इसका पावर आउटपुट जो रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसकी अगर आप कलर थीम की बात करो तो वो भी थोड़ी आपकी V4 और V4S से अलग हो जाती है। इसमें आपको एल्युमिनियम कलर का ऐसे बहुत बड़े से टैंक मिल जाता है, और ये बाइक जो है ये बाइक आपकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में यूज़ होती है, सुपर बाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। ठीक है, इसको आप बढ़िया से ट्रैक पर लेकर के जा सकते हो, इसको आप अपने रोड पर भी दौड़ा सकते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट इसकी जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसकी प्राइसिंग है अराउंड 57 लाख रुपीज़ प्लस, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है, और ये 2020 मॉडल है। बट डुकाटी V4R जो है वो अब डिसकंटिन्यू होने वाला है और उसकी जगह पर आएगा डुकाटी V4SP। अब SP में डिफरेंस क्या होगा कि उसमें कार्बन फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और उसका जो कलर टोन है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिया गया है, बाकी इंजन पावर आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसी बाइक की जो कि ऐसे आपकी मल्टीपर्पज़ बाइक हो सकती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर और खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं, जिसका नाम है डुकाटी डियावल। इस बाइक का शेप देखो, इस बाइक का लुक देखो, ये बाइक थोड़ी सी अलग ही लगती है। इसको आप रोज़मर्रा के लाइफ में भी अपने यूज़ कर सकते हो, इसको आप ट्रैक में भी यूज़ कर सकते हो, इससे आप लॉन्ग जर्नीज भी कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी राइडिंग पोजीशन हो जाती है। इसमें आपको मिल जाता है 1262 सीसी का V2 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 164 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 129 मीटर्स का टॉर्क। इसमें आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं, वही आपके राइडिंग मोड्स, पावर मोड, इसमें आपको फुल LED सिस्टम मिल जाता है, आपका डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर,
मतलब यू नेम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू विल गेट इट इन द बाइक। अब इसके दो मॉडल्स आते हैं, एक तो आता है आपका डुगाटी डेवर 1260 जो कि हमारे सामने खड़ा हुआ था, और एक आता है 1260S। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि 1260S में आपको मिल जाता है गोल्डन कलर के ओलिंस के सस्पेंशन, और उसके बाद में आपको मिलता है 1260S में अपने बाइक को जो है वो आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी बाइक की इंफॉर्मेशन है जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप अपने डिवाइस पर पता कर सकते हो। तो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस हो जाती है आपकी 1260S इन कंपैरिजन टू 1260, बट पावर जो है वो दोनों की सेम ही रहती है। अब अगर प्राइसिंग की बात करो तो डुकाटी डाइवल 1260 आपको मिलती है 20,70,000 रुपीज़ की, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है, और वहीं 1260S आपको मिलती है 24,00,000 रुपीज़ की डॉट, जो कि इसका ऑन रोड प्राइसिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, ओलिंस का सस्पेंशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सको, अगर आप ऐसे टूरिंग करने का शौक़ है तब भी एक बेटर ऑप्शन हो जाता है आपके लिए, अगर थोड़ा सा अलग बाइक ऐसे रखने का शौक है तो भी ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। बिकॉज इस बाइक का जो हाइलाइटिंग पॉइंट है वो इसका होता है सिंगल साइड स्विंग आर्म, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा टायर मिल जाता है। तो लुक वाइज ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, थोड़ी सी यूनिक लगती है, थोड़ी सी अलग लगती है। अब अगर हम यूनिकनेस और पावर की बात कर रहे हैं तो हमारी जो दूसरी बाइक है उसका नाम है डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950S। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 937 सीसी का V2 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 94 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पैकेज की बात करो तो ये बाइक लोडेड है पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक से। इसमें आपको पावर मोड्स मिल जाते हैं, इसमें आपको डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्विक शिफ्ट मिल जाता है, ऑटो ब्रेकर मिल जाता है, व्हीकल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप नाम लो और इस बाइक में आपको मिल जाएगा। इसमें जो मोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है इसका। अब जो डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950S है ये तो अभी आपकी आती है, और इससे ज़्यादा पावरफुल एक मशीन आने वाली है जिसका नाम है डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4। ADV कैटेगरी में जो आपकी मल्टीस्ट्राडा V4 आने वाली है ये एक बेंचमार्क बाइक होगी, और ये एक बेंचमार्क सेट करेगी आपके एडवेंचर कैटेगरी बाइक्स में। अगर इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात करो तो मल्टीस्ट्राडा 950S के दो कलर्स आते हैं, एक तो आपका आता है रेड और एक आपका आता है व्हाइट, और इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है 70,35,000 रुपीज़ ओनली। अगर आपको इस बाइक किसी भी बाइक पर अगर आपको लोन कराना है तो आपको जो 20% बाइक का कॉस्टिंग है वो आपको देनी पड़ेगी, और 80% जो है वो आपका लोन हो जाएगा अंडर द सर्कमस्टांसिस की आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, और आपको जो सिविल रिपोर्ट है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ डुकाटी पानीगाले V2 के बारे में। V2 यानी कि आपके दो सिलेंडर इंजन हो गए, जो कि आपके L ट्विन शेप में आते हैं, वही सेम 90 डिग्री क्रैंकशाफ्ट के साथ, और उसमें आपको मिलता है 950 जो आपके डुकाटी पानीगाले 959 आती थी उसका सक्सेसर है V2। ठीक है, उसमें आपको L ट्विन इंजन मिल जाता है, और उसकी पावर भी जो होती है करीब 155 ब्रेक हॉर्स पावर उस बाइक में आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डुकाटी का शौक़ है और अगर आपको V4 जैसी हॉरिफाइंग पावर नहीं चाहिए, अगर आपको ट्रैक मशीन पे यूज़ नहीं करना है बाइक को, तो V2 ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है जो सफिशिएंट पावर देता है अगर आपको सिटी में राइड करनी है। अगर आपको ट्रैक पे भी इनफैक्ट राइड करनी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ऐसे रेस एंथुजियास्ट हो और आप स्पीड लवर हो तो फिर देन यू शुड गो फॉर V4, अदरवाइज V2 इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इंडिया में आप नॉर्मल रोड्स पे कितनी ज़्यादा बाइक भगा दोगे, और बढ़िया पावर होती है, 959 से ज़्यादा पावर आउटपुट रेशियो जो है वो आपका V2 में आता है। अगली बाइक पे चलने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डुकाटी दिल्ली पे आपको डुकाटी के काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ भी मिल जाते हैं। ये देखिए, आपके अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, या आपके गियर लिवर्स लगे हुए हैं, या आपके बैग लगे हुए हैं, या आपके ट्रैंक पैड लगे हुए हैं, या आपका एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, या आपके छोटे छोटे मर्चेंडाइज लगे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके टी शर्ट्स आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, जैकेट, स्वेटशर्ट्स, डेनिम्स, बूट्स, हेलमेट्स, मतलब कोई भी डुकाटी की जो आपकी एक्सेसरीज़ है वो भी आपको यहाँ पर सारी देखने को मिल जाएगी। अब हम चल के देखते हैं हमारी अगली बाइक, जो कि डुकाटी का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है, जिसका नाम है डुकाटी स्क्रैम्बलर। डुकाटी स्क्रैम्बलर के 5 वेरिएंट आते हैं, 3 आते हैं आपके 800 सीसी में, जिसमें से एक खड़ी है ये डुकाटी स्क्रैम्बलर आइकन में आपको मिलता है 803 सीसी का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 73 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 49 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब ये बाइक रॉ रखी गई है, इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स तो नहीं मिलते हैं। इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो आता है 910,000 रुपये का। इसमें दो कलर्स आते हैं, एक आपका ब्लैक कलर आता है और एक आपका आता है येलो कलर, और येलो कलर का जो प्राइसिंग है वो है 960,000 रुपीज़। अब अगर हम इस
बाइक के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 1079 सीसी का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 85 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 66.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो पावर वाइज इस बाइक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप देखो ध्यान से तो जो आपकी 800 सीसी की बाइक है वो थोड़ी सी आपको मतलब एक नॉर्मल शेप में लगती है, बट जो आपकी 1100 सीसी की बाइक है डार्क प्रो ये थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी चौड़ी बाइक लगती है। और इसमें आपको फ्रंट में आपको मिलता है 110 का टायर और इसमें आपको मिलता है 120 का टायर, दोनों ही 18 इंचेस के टायर है। इसमें आपको फ्रंट में सिंगल डिस्क मिलता है बट आपको डार्क प्रो में आपको डुअल डिस्क मिलता है। तो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है और इसकी पावर तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही है। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1100 डार्क प्रो स्क्रैम्बलर आपको मिलती है 12,42,000 रुपये की, यानी कि 12,42,000 रुपीज़ की, जो कि डुकाटी दिल्ली का प्राइस है। अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये तो हो गई दो बाइक्स हमारी स्क्रैम्बलर की, एक हो गई हमारी स्क्रैम्बलर की आइकन जो कि 800 सीसी की है, उसके बाद में हमारी हो गई डार्क प्रो जो कि 1100 सीसी की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डुकाटी स्क्रैम्बलर का तीसरा वेरियंट जिसका नाम है नाइट शिफ्ट। ये बाइक अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी गई है और इसमें थोड़ा सा लुक वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिल जाते हैं। उस इंजन जो है इस पार्क सेम ही होता है, इसमें आपको सेम वही 803 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 79 ब्रेक हॉर्स पावर और 43 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 6 स्पीड गेयरबॉक्स इसमें भी आपको मिलता है, लेकिन इस बाइक का लुक देखो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कम्पैक्ट होता है। इसमें आपको जो इसका हैंडल बार भी है वो भी आपको स्ट्रेट हैंडल बार मिल जाता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड पॉइंट है वो है इसके इंडिकेटर। इसके इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाए गए हैं और उसके बाद में इसका पैक पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं क्योंकि इसके लुक को और भी इन्हांस कर देते हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको कोई फीचर्स नहीं मिलते हैं, रॉ बाइक है इसमें, बट आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है और ABS का ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें तो इस बाइक का प्राइस ऑन रोड पड़ता है 11,10,000 रुपये और एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपका 800 सीसी में, जो कि लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसकी राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी, ये थोड़ा सा कैफे रेसर कैटेगरी में चली आती है बाइक अपनी राइडिंग पोजीशन की वजह से, और बाकी स्क्रैम्बलर जो देख रहे हो उसके थोड़ा सा हैंडल ऊपर होता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन होती है, बट इसका थोड़ा सा कैफे रेसर और थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लुक हो जाता है। इसके बाद में दो और स्क्रैम्बलर आती है, एक आती है आपकी डेजर्ट स्लेड जो कि आपकी 800 सीसी में आती है, जो कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर आपकी बाइक हो जाती है। ठीक है, वैसे तो आप किसी भी स्क्रैम्बलर को कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो, अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग का शौक है, अगर आपको डुकाटी मल्टी स्ट्राडा लेना नहीं है, कुछ और दूसरा ऑप्शन चाहिए जो कि आप यू नो सिटीज में भी यूज़ कर सको, शॉर्ट राइड में भी यूज़ कर सको, जो थोड़ा ईजी टू मेनटेन हो, देन यू कैन गो फॉर डेजर्ट स्लेट। डेजर्ट स्लेट क्या एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है स्क्रैम्बलर की तरफ से, थोड़ा सा उसमें टायर्स अलग हो जाते हैं, थोड़ी सी उसमें चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए दी गई हैं। अब डुकाटी स्क्रैम्बलर का जो पांचवा वेरिएंट आता है उसका नाम है डुकाटी स्क्रैम्बलर स्पोर्ट्स प्रो। अब डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये हमारे सामने खड़ी है डुकाटी स्क्रैम्बलर डार्क प्रो, अब इसमें और स्पोर्ट प्रो में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली आपका कलर थीम पे डिफरेंस हो जाता है, उसके बाद में आपका डुअल एग्जॉस्ट सेम वैसे ही होता है, उसके बाद में आपको स्पोर्ट प्रो में मिल जाते हैं ओलिन के सस्पेंशन गोल्डन करके जो कि थोड़े से बढ़िया से लगते हैं, उसके बाद में इसका जो हैंडल बार होता है वो भी ऐसे आपका कैफे रेसर टाइप का होता है। जैसे कि आपकी ये नाइट शिफ्ट है जो कि 800 सीसी में आपके कैफे रेसर कैटेगरी की बाइक आ जाती है, सिमिलरली जो 1100 सीसी में आपकी स्पोर्ट प्रो है वो आपके कैफे रेसर शेप में आ जाती है। ये सारे स्क्रैम्बलर के पाँच ऑप्शन आपको डुकाटी दिल्ली पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। 800 और 1100 सीसी दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये तो थी हमारी बाइक्स जो कि हमारे यहाँ पर डुकाटी इंडिया शोरूम पे अवेलेबल है। अब कुछ अपकमिंग बाइक भी हैं जो कि आपकी इस साल आने वाली हैं, उनका नाम है एक तो आपकी डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस हो गई, जो कि ऐसे आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा V2 की तरह लगेगी, बट उसकी राइडिंग पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स टूरर मशीन है, वो ऐसे आपकी लिटल कैटेगरी में नहीं आती है, तो वो आपकी लॉन्च होने वाली है। उसके बाद में आपकी मॉन्स्टर 950 लॉन्च होने वाली है जो कि आपकी नेकेड कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक है। उसके बाद में आपकी मल्टी स्टार्टर V4 लॉन्च होने वाली है जो कि आपका V4 मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऐसे बाइक होने वाली है एडवेंचर कैटेगरी की, वो भी आप आकर के देख सकते हो। उसके बाद में एक और बाइक है हाइपर मोटार्ड जो कि आपकी इसी साल रिलीज होने वाली है। तो ये चार बाइक जो है ये डुकाटी की लाइनअप में लगी हुई है, ये मोस्ट प्रॉब्ली इस साल या फिर आने वाले अगले साल के शुरुआत के 2-3 महीने में रिलीज हो जाएंगी। उसी के साथ साथ आपकी स्ट्रीट फाइटर V4 भी आती है। अब स्ट्रीट फाइटर V4 क्या है, जैसे कि आपकी V4 आपके पानी काले है उसी की तरह सेम आपकी स्ट्रीट फाइटर है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपकी V4 है
वो आपकी फुली फेयर्ड बाइक हो जाती है, और जो आपकी स्ट्रीट फाइटर है ये आपकी नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक हो जाती है। इंजन स्पेसिफिकेशंस दोनों के सेम होते हैं, प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी बाइक दोनों इंजन वाइज सेम है, फीचर्स वाइज सेम है। एक नेकेड कैटेगरी की बाइक है और एक फुली फेयर्ड बाइक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने आपको डुकाटी इंडिया में बिकने वाली सारी डुकाटी सुपर बाइक के बारे में बढ़िया से बात करी। और इनफैक्ट अगर आप कोई और भी ब्रांड की सुपर बाइक ओन करते हो तो यहाँ पर आप उसको ला करके डिस्पोज कर सकते हो, और उसके बदले में आप नई डुकाटी भी लेकर के जा सकते हो, यहाँ पर आपको उसका बेस्ट प्राइस मिलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है तो आप इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, और उसी के साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाने के साथ में एक ऐसे ऐसे बेल आइकन वाला एक थोड़ा सा आइकन है उसको भी आप ऐसे प्रेस करो, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन स्क्रीन्स पर आती रहे। अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। आई एम गोना गो टू अनदर शोरूम एंड गोना ब्रिंग यू सम अनदर किक-ऐस कंटेंट। टिल देन बाय बाय, पिस्टन्स क्लब।